75 शीट में क्वेश्चन नंबर वन में डाउट हो गया, क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट, थ्री कनकेव स्फेरिकल सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो एक कनकेव सरफेस है, ठीक है, कनकेव सरफेस है, ये रहा कनकेव सरफेस है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने है, 3/2। इज इमर्स्ड इन वाटर, तो बाहर क्या है मीडियम, वाटर, वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3। कौन बड़ा है, 3/2 की 4/3, 3/2 बड़ा है, 1.5। तो ये म्यू टू हो गया और ये म्यू वन, बड़े वाला म्यू टू, छोटे वाला म्यू वन। अब ये देखो ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट लाइज इन वाटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10। तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहां कहीं पड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, और क्योंकि ऑब्जेक्ट किसमें पड़ा हुआ है, रेयरर, और ये क्या है, डेंसर, तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो कनकेव के केस में म्यू वन रेयरर टू डेंसर में, अगर आपको केस सारे कन्वेंशन याद हैं, तो आर क्या होता था उसमें, नेगेटिव, चेक कर लो, मतलब याद देखने की जरूरत थोड़ी ना, वो केस डेरिवेशन याद रखो, हमने क्लास में की थी, कनकेव रियर रेयरर टू डेंसर में कन्वेक्स का आर पॉजिटिव था, कनकेव का नेगेटिव था, तो इसमें नेगेटिव पुट, मतलब मैं तो केस ही याद कर रहा हूँ, सीधी वैल्यू पुट करी जा रहा हूँ, आर नेगेटिव है, म्यू वन म्यू टू मुझे पता है, यू मेरा नेगेटिव है, अभी आंसर आ गया, डायग्राम बनाऊँ ना बनाऊँ तो भी कोई फर्क नहीं, तो भी आंसर एक मिनट में आ जाएगा। साइन कन्वेंशन जो करवाई थी, वो जो लिखवाई थी, सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, मतलब आधे टाइम तो मेरे को कई बार पता भी नहीं लगता कि क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ से कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है कि इसमें कैसे करना है। देखो जब ऑब्जेक्ट रियल है तो यू तो पक्का ही नेगेटिव है, मैं डायग्राम इमेजिन करूं या ना करूं, मेरा यू तो पक्का नेगेटिव है, छोटे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पक्का म्यू वन है। देखो मैं किसी भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सल ये चीज़ ऐसी रहेगी, मतलब मैं डायग्राम को देख भी नहीं रहा, ये रूल तो पक्के हैं, छोटे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, बड़े वाला म्यू टू है, रियल के अंदर यू हमेशा नेगेटिव है, देखो ये तो वॉयलेट किया ही नहीं, ऑब्जेक्ट रेयरर में है तो रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला, डेंसर में है डेंसर टू रेयर का फॉर्मूला, और बात रहती है सिर्फ आर की, आर का क्या करना है, अगर तो रेयरर टू डेंसर है और कन्वेक्स है, आर पॉजिटिव है और कनकेव नेगेटिव है, और डेंसर टू रेयर में उल्टा है, हो गया काम खत्म। न्यूमेरिकल में क्या तो डायग्राम ड्रॉ करना, कुछ भी ना करना, रूल्स ही इतने पक्के हैं, कोई क्वेश्चन करवा लो, ये लो अ मार्क प्लेस्ड ऑन दी, हाँ डाउट है इसमें, कुछ तो लें, डाउट है। देखो इसमें डायग्राम बनाना थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग सा लग रहा था मेरे को, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो ना एक ग्लास का स्फेयर दे रहा है मेरे को, और एक ग्लास के स्फेयर में ना उसके अंदर यहाँ पे बाउंड्री में ना मुझे एक मार्क दे रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, डेंसर में, ग्लास के हवा में तो नहीं पड़ा ना, ग्लास के अंदर पड़ा हुआ है ना, उसकी बाउंड्री में पड़ा हुआ है, तो डेंसर में। फिर देखने वाला तो ग्लास में नहीं ना, देखने वाला तो एयर में है, और रेज कहाँ से निकलती हैं, ऑब्जेक्ट से। वो कह रहे देखने वाला कहाँ पर है या पोल कहाँ पर है, बेसिकली उसके बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। तो ये देखो लिखा हुआ है कि इसको कहाँ से व्यू किया गया, फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ ऑपोजिट एंड, ऑपोजिट से देखा गया। तो यानी कि अगर ऑपोजिट एंड पोल है तो ऑब्जेक्ट डायमीटर डिस्टेंस दूर पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली ऐसे होगा ना, ये रहा आपका मार्क, ये रहा ऑब्जेक्ट मार्क है, और ये आपका ऑब्जर्वर है, ये पोल है, क्योंकि रेज ऑब्जेक्ट डेंसर में है, और रेज कहाँ जाने वाली है, रेयरर में, तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला डेंसर टू रेयरर, और ये अगर पोल है तो यू क्या हो गया, नेगेटिव, और डायमीटर जितना यू नेगेटिव है, और म्यू वन म्यू टू तो छोटे बड़ा वैसे ही पता है, मुझे डायग्राम देखना ही नहीं है, म्यू वन म्यू टू मैं देख ही लूँगा, यू मेरा, मैं अगर डायग्राम नहीं भी बनाऊँगा, यू मेरा नेगेटिव है और यू मेरा डायमीटर जितना है, तो वी निकाल लेना आंसर, और क्योंकि ये कौन सा केस है, डेंसर टू रेयरर का, और कौन सा है, कन्वेक्स की कनकेव, कन्वेक्स है तो आर क्या होगा, आर भी तो लेना पड़ेगा, आर नेगेटिव होगा, नहीं आर भी तो पुट करोगे, आर नेगेटिव होगा, डेंसर टू रेयरर है, डेंसर टू रेयरर है, कन्वेक्स का केस है तो आर नेगेटिव है, और रेयरर टू डेंसर है, कन्वेक्स का केस है तो आर पॉजिटिव है,
मैं क्वेश्चन क्वेश्चन कोई ना पढ़ रहा, मैं तो वही डेरिवेशन की चीज़ें पढ़े जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता लग चुका है कि डेंसर टू रेयर का केस है, मैं वही केस बोली जा रहा हूँ, वही आंसर आ जाएगा पक्का। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस में कुछ ना करना, तुम डायग्राम के चक्कर में तो बिल्कुल ना पढ़ना, डायग्राम के चक्कर में पढ़ोगे कि मैं कैसे देख पाऊंगा इमेज, कई बार तो मैं भी देख नहीं पाता तो, लेकिन न्यूमेरिकल पक्का सॉल्व होगा, और न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखना ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 15 हैज अ स्मॉल बबल 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, द बबल इज अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द स्फीयर और हाउ फार। देखो ये हमने क्वेश्चन ना शायद ऐसा कुछ किया था लास्ट टाइम ऐसा, हाँ जो मैंने शीट में हैंड रिटन में करवाया था, एक स्फीयर है और ये जो बबल है ये सेंटर से 6 सेंटीमीटर पे है, सेंटर से 6 सेंटीमीटर पे है। तो क्योंकि बबल का मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डेंसर में है, तो रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अब देखो मेरे को कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला मेरे को पता लग गया डेंसर टू रेयरर, मेरे को ये पता लग गया ये पोल है, पोल से ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तुम्हें सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस गिवन है, तो तुम यहाँ पे यू तो निकाल ही लोगे, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस कहाँ से लेने हैं, पोल से, और यू डायग्राम को बिना देखे यू तो पक्का नेगेटिव है, यू पॉजिटिव कब से होने लगे रियल के केस में, तो यू तो पक्का नेगेटिव है, तुम्हें ज्योमेट्री से यू निकालना पड़ेगा, यू पता है, डेंसर टू रेयरर पता है, क्योंकि ये कन्वेक्स का केस है, डेंसर टू रेयरर है तो इसका मतलब आर की वैल्यू भी इसमें क्या होगी, नेगेटिव, और वैसे भी पता ही है पोल के लेफ्ट की तरफ आर है तो वैसे भी नेगेटिव है, तो लगा लेना वी निकाल लेना, डायग्राम का करना क्या तुमने बना के, वो तो चलो बुक वाला वैसे ही दिखाता है तुम्हें कर करके, बट अदरवाइज तुम्हें चाहिए नहीं है डायग्राम बिल्कुल भी। तो बात पकड़ में आ रही है कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट थी वो डेरिवेशंस के साइन कन्वेंशन, वही से सॉल्व होना है सारा कुछ, यहाँ से कुछ नहीं सॉल्व होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जब भी आप प्लीज़ काम करो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस तैयार करो, एक पेज लो, पहले सारी साइन कन्वेंशन बनाओ, पेज पे लिखो, फिर न्यूमेरिकल करना, गलती से न्यूमेरिकल मत कर लेना, अगर तुम्हारे पास वो पेज या फॉर्मूला रजिस्टर लिखा हुआ है तब न्यूमेरिकल स्टार्ट करना, नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि मुझे आता ही नहीं। ऐसी जब लेंस करोगे, लेंस की सारी साइन कन्वेंशन विद मैग्निफिकेशन एक पेज पे लिखो, उससे रिवीजन होगी आपकी, अब न्यूमेरिकल करो, आपके न्यूमेरिकल ठीक हो जाएंगे, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की 5 मिनट की, आपका न्यूमेरिकल ठीक नहीं होगा। इतना तो मैं भी जानता हूँ यार, मैंने भी शीट्स पढ़ी हैं, मैं भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, इतने कितनी मेमोरी है कि तुम सारे केस 5 के 5 ऐसे ऐसे याद कर लोगे, कहाँ याद होते हैं, तुम याद कर लोगे लेंस तुम्हें कन्फ्यूज़ कर देगा, चलो तुम लेंस भी कर लोगे तुम्हें मिरर कन्फ्यूज़ कर देगा, उसकी साइन कन्वेंशन आ जाएंगी, तुम वो कर लोगे तो फिर मिरर और लेंस की साइन कन्वेंशन आ जाएंगी, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 बोला, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस 50 सेंटीमीटर पे है बोथ सर्फेस, हाँ ये सही है। देखो इसके अंदर मैं समझा देता हूँ, आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट, डायग्राम को छोड़ दो, डायग्राम नहीं बनना, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक पहली और एक दूसरी, पहली और दूसरी, राइट, तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, तो ये पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें ना यू पता है इसका, यू पता है, तो यू की वैल्यू पुट करके रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर पुट कर लेना और रेयरर टू डेंसर पुट करके वी निकाल लेना। तो चलो मान लिया तुम्हारा वी इस पोल से यहां पे आ गया 50 सेंटीमीटर पे आ गया, 50 पे आ गया, अब ये जो रे जा रही है एक्चुअल में उसको यहां मिलना था, एक्चुअल में उसको यहां मिलना था, पर इस सरफेस ने भी रिफ्रैक्शन की और इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट मानते हुए इसने इमेज अपनी नई पोजीशन पे शिफ्ट कर दी। अब क्या करना है, तुम्हें ये डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है, तुम्हें यहां से यहां का डिस्टेंस वी पता है 50 है, तो डायमीटर की वैल्यू इसमें 20 है, तो 20 50 में से 20 गया तो ये कितना आ गया 30। अब तुम रिफ्रैक्शन करो डेंसर टू रेयरर का फॉर्मूला लगाओ, ऑब्जेक्ट को पुट करो प्लस 30 क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है प्लस 30 और फिर तुम वी निकाल लो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से जो वी आएगा वो ये आएगा 10 पे आएगा 10 आ जाएगा, पर तुम्हें डिस्टेंस सेंटर से निकालना है, सेंटर से डिस्टेंस 10 + 20 आंसर 20 आएगा। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें दो रिफ्रैक्शंस हैं, पहली ये रिफ्रैक्शन है ये ऑब्जेक्ट से इमेज बनाएगा और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या करेगी इसको ऑब्जेक्ट मान के इसकी एक नई इमेज बनाएगी। तो ये प्रैक्टिस करना है आपने, यहाँ तक क्लियर है और कोई ठीक है तो मैं